हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 12वें डे के 3 क्वेश्चन तक की बात कर ली। आज हम इस बार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी, दो भुजाएं तो उसकी कितनी है 18 सेमी और एक भुजा देती है 10 सेमी और एक भुजा 10 सेमी, जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी। दो भुजाएं एक तो 18 सेमी और एक तो 10 सेमी, उसका परिमाप 42 सेमी, परिमाप कितना है 42। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सबसे पहले देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे पास तीनों भुजाएं होनी चाहिए, तो दो भुजाएं तो दे रखी है तो तीसरी भुजा मान लेते हैं। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा स्मॉल एक्स है, क्या मान ली तीसरी भुजा स्मॉल एक्स है। एक भुजा दे रखी है हमें 18 सेमी, इसको स्मॉल ए मान लेते हैं, दूसरी भुजा 10 सेमी स्मॉल बी। अब त्रिभुज का परिमाप किसके इक्वल होता है, तीनों भुजाओं के योग के, तो त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप इक्वल में 42 सेमी। पहली भुजा हमारी 18 प्लस 10 प्लस तीसरी भुजा x इक्वल में 42, तो 18 प्लस 10 28 प्लस x इक्वल में 42, तो x इक्वल 42 माइनस 28, तो x इक्वल यहां से कितना आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे, तो तीसरी भुजा हमारी c इक्वल कितनी आ गई 14 सेमी। परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, अर्ध परिमाप s इक्वल 42 बटे 2 कितना आ गया 21 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीनों भुजाएं आती है तो विरोध के सूत्र से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, विरोध के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में रूट s s माइनस a s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो रूट s s की यहां पर वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 माइनस पहली भुजा स्मॉल ए 18, दूसरी भुजा हमारी 10, तो तीसरी भुजा कितनी है 21 माइनस 14, तो 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 इंटू 21 माइनस 14 7, 21 के अलावा जब गुणनफल करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, दो बार 3 है तो एक बार ब्रैकेट से बाहर 7 भी रूट में ही गया, तो 21 रूट 11 सेमी में दिया तो सेमी की स्केल वर्ग सेमी बोल सकते हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा 21 रूट 11 वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 15, देखो भुजाओं का इसमें अनुपात एक है 12 अनुपात 17 अनुपात 15 और उसका परिमाप 524, 12 अनुपात 17 अनुपात 15 ये अनुपात दिया भुजाओं और उसका परिमाप दिया इसमें 540 है, परिमाप है 540। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो इसमें मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं 12x 17x और 15x, इनके साथ कोई वैल्यू हमने पुट कर ली, x पुट कर लिया, ये पहली भुजा 12x है, दूसरी 17x है और तीसरी 15x। अब त्रिभुज का परिमाप उसने कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप इक्वल में दिया है 540 सेमी, तो त्रिभुज की भुजाएं हमारी क्या है 12x प्लस 17x प्लस 15x इक्वल में 540, इनको जोड़ते हैं 12x 17x और 15x ये कितने हो जाएगी 2 7 9 और 5 14, एक अंक 2 3 और 1 4 44x
इक्वल में 540, 2, 7, 9, 5, 14, एक अंश एक और एक दो तीन चार, यही थी 12:17:25 परिणाम। तो यहां पर भी क्या आएगा 25, तो ये कितनी हो जाएगी 54x इक्वल हमारा कितना आ गया 540। तो x इक्वल 540 बटे 54, तो x इक्वल हमारा कितना आ गया 10 सेमी। x का मान 10 सेमी आ गया, तो पहली बजाय हमारी 12x है, तो 12 × 10 ये कितनी आएगी 120 सेमी। दूसरी बजाय हमारी 17x है, तो 17 × 10 ये कितनी आएगी 170 सेमी। तीसरी बजाय 25x है, तो 25 × 10 ये कितनी आएगी 250 सेमी। ये हमारी भुजाएं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले तो अर्ध परिमाप देख देते हैं, परिमाप में 2 का भाग देते हैं, तो अर्ध परिमाप s इक्वल 540 बटा में 2, तो कितना आया 270। देखो इस क्वेश्चन में भुजाओं का अनुपात दिया था 12:17:25 और उसका परिमाप दिया था। परिमाप क्या होता है, चारों ओर एक चित्र में दिया गया कि दूरी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग है, तो हमने मान लिया इसकी बजाय 12x 17x 16x 25x, तीनों का योग किया, परिमाप 540 है, 540 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये पहली बजाय 12x है, तो कितनी आएगी 120 x की वैल्यू रखें। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में हिरोन के सूत्र से ज्ञात करें, हिरोन के सूत्र से रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट एस की वैल्यू यहां पर है 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। इसको सोल्व करते हैं, तो 270 इंटू 270 माइनस 120, तो यहां पर ये हमारे पास रहेंगे 150 इंटू 100 इंटू 20। 270 के अवयव हैं गुणनखंड करके, और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, सभी के अवयव गुणनखंड कर लोगे, फिर उसके बाद जो दो दो संख्याएं आ रही हैं उनको रूट से बाहर निकाल लोगे, कोई सिंगल संख्या रह जाती है, जैसे 3 बार 2 आ गया तो 1 बार उसको रूट में रखो। इस प्रकार इसका आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेमी। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या दिया है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तो हमारी क्या होगी समान, जिंक दे देता हूं इसमें, इस क्वेश्चन का करोगे खुद। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इसमें दिया है आपको 30 सेमी दिए, परिमाप कितना दिया है आपको 30 सेमी, और इसमें बराबर भुजाएं 12 सेमी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और वो कितनी है 12 सेमी, यानी पहली भुजा ये भी 12 है और दूसरी भुजा बी भी कितनी मान लोगे 12 सेमी। और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सबसे पहले जो तीसरी भुजा रहेगी उसको मान लो स्मॉल एक्स सेमी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तीसरी भुजा क्या मान लेंगे स्मॉल एक्स, तीनों भुजाओं का योग 12+12+ एक्स इक्वल किसके रखोगे 30 के, तीनों भुजाओं का योग परिमाप के इक्वल होगा, तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू, तो वो आपकी क्या होगी तीसरी भुजा होगी। उसके बाद अर्ध परिमाप आपका कितना हो जाएगा 15 सेमी, फिर हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करोगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप अपना मैसेज करके अपने डाउट क्लियर करो, बाकी 12.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।